नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 18 और 19 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो HDFC बैंक को लेकर है, ठीक है। HDFC बैंक जो है पहला बैंक बन गया है जिसने डिजिटल रुपी को UPI QR कोड के साथ में लिंक किया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बैंकिंग में पूछ सकता है। HDFC बैंक हैज़ लॉन्च UPI क्विक रिस्पॉन्स कोड इंटरऑपरेबल विथ इंडिया सोवन डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। विद दिस HDFC बैंक बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू कम्प्लीट द इंटीग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। HDFC पहला बैंक बन गया है। एट प्रेजेंट HDFC बैंक फैसिलिटेट्स पेमेंट इन डिजिटल रूपी अक्रॉस मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी, गैंगटोक, हैदराबाद, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, पटना, कोची, गोवा, शिमला, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, रांची, पुणे, नागपुर, वाराणसी, विशाखापट्टनम, पांडिचेरी एंड विजयवाड़ा, ठीक है। फिलहाल में ये इतने लोकेशंस पर आपको HDFC बैंक की जो है डिजिटल रूपी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। विद दिस इंटरऑपरेबल UPI QR कोड HDFC बैंक मर्चेंट्स हु हैव बीन ऑनबोर्डेड ऑन CBDC प्लेटफॉर्म कैन एक्सेप्ट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल रूपी करेंसी, ठीक है। HDFC बैंक के जो भी मर्चेंट्स है, जो भी CBDC प्लेटफॉर्म के ऊपर में ऑनबोर्ड है, वो कस्टमर्स के से द्वारा डायरेक्टली डिजिटल रूपी में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकेंगे, ठीक है। और अब तक के फिलहाल में 170,000 मर्चेंट्स को HDFC बैंक ने साइन अप किया है इसके अंदर में, और ओवर 1,00,000 कस्टमर्स इन पायलट प्रोग्राम्स यूजिंग द डिजिटल रूपी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अभी काफ़ी न्यूज़ में था चंद्रयान 3, ठीक है। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है थर्ड लोनार मिशन चंद्रयान 3। कहाँ से? श्रीहरिकोटा। ये यहाँ से सतीश धवन स्पेस सेंटर करके है, वहाँ से इसरो अपने रॉकेट को लॉन्च करता है, ठीक है। द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इट्स थर्ड लूनार मिशन चंद्रयान 3 ऑन बोर्ड द हेवी लिफ्ट LV-M3-M4 रॉकेट इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कौन से रॉकेट से उसको लिफ्ट किया गया, तो आपको LV-M3-M4 पता रहना चाहिए, ठीक है। और इसका जो विक्रम है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है साउथ पोल रीजन अपना मून के अराउंड 23 अगस्त या फिर 24 अगस्त, ठीक है। एक अंदाजा है 23 से 24 अगस्त को वो वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कर देगा मून के ऊपर, मून के साउथ पोल रीजन में, ठीक है। और इसी के साथ में इंडिया जो है फोर्थ कंट्री बन जाएंगी टू मास्टर द टेक्नोलॉजी ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून सरफेस आफ्टर US, चाइना एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन, ठीक है। इंडिया फोर्थ बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया और UAE ने एक हिस्टोरिकल MOU साइन किया है अंडर द LCS सिस्टम। LCS मतलब लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, मतलब जैसे UAE का करेंसी दिरहम है और हमारा करेंसी इंडिया है, ठीक है। तो इसमें जो है डायरेक्टली दिरहम और रुपी में ट्रांजेक्शन को सेटल कर सकेंगे, ठीक है। इन अ सिग्निफिकेंट मूव टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज इंडिया एंड UAE हैव साइंड हिस्टोरिक MOU एंड ऑन द, ये देखो जो LCS का फुल फॉर्म बताया, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। द ग्राउंड ब्रेकिंग एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द RBI एंड सेंट्रल बैंक ऑफ UAE एम्स टू रिवोल्यूशनाइज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू नेशंस, ठीक है। The LCS system allows for the use of Indian rupee and UAE dirham. मतलब इसकी करेंसी धीरम है इन बायलेटरल ट्रेड, मार्किंग इंडियाज फर्स्ट एवर LCS अरेंजमेंट, ठीक है। एडिशनली LCS सिस्टम अनेबल्स द यूज ऑफ सरप्लस बैलेंस इन लोकल करेंसीज फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस लोकल करेंसी एसेट्स, ठीक है। उसी के अलावा LCS सिस्टम में जो भी एक्स्ट्रा का पैसा रहेगा, जो भी सरप्लस बैलेंस रहेगा, वो लोकल करेंसी के अंदर में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, एक फिनटेक स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम जिसका नाम है इन्फिनिटी, वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए होने वाला है, ठीक है। और ये कौन कर रहा है? तो PayU, AWS एंड चिराट वेंचर्स, ठीक है। ये तीनों मिलके ये लॉन्च कर रहे हैं। पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर PayU हैज़ लॉन्च अ 45-day फिनटेक एक्सीलेटर प्रोग्राम इन्फिनिटी फॉर अर्ली स्टेज इंडियन स्टार्टअप्स
इन कोलैबोरेशन विद AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज इंडिया. ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है एंड वेंचर कैपिटल फर्म चिराग वेंचर्स. ठीक है, ये इसका मेन एम है कि सपोर्ट कर सके ग्रोथ ऑफ अर्ली स्टेज फिनटेक स्टार्टअप्स को बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू मेंटरशिप फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, क्यूरेटेड रिसोर्सेज एंड AWS एक्टिवेटेड क्रेडिट्स. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. नेक्स्ट न्यूज़ एक डे को लेकर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, जुलाई 18. ठीक है, इस साल जुलाई 18 को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया गया. ठीक है, और ये सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड वाइड एज एन ऑनरिंग इवेंट. ठीक है, नेल्सन मंडेला जी को ऑनर करने के इसमें. ठीक है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑल्सो नोन एज मंडेला डे इज अ ईयरली इंटरनेशनल सेलिब्रेशन ऑनरिंग मंडेला डेट इज ऑब्जर्व ऑन इस उनका जो जन्मदिन रहता है 18 जुलाई को, उस दिन ये ऑनर के उसमें उसको ऑब्जर्व किया जाता है. और जो थीम है उसकी, द लीगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट फूड एंड सॉलिडैरिटी. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. नेक्स्ट न्यूज़ इट, अभी आपका ये ख़त्म हुआ है विंबलडन का प्रतियोगिता. ठीक है, विंबलडन में जो मेंस टाइटल है वो कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविक को एक 5 सेट के लंबे मुकाबले में हराकर अपना सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया. ठीक है, और ये मैच हुआ था सेंटर कोर्ट लंदन में. ठीक है, द 20-year-old स्पैनियर्ड बीट द 7-time चैम्पियन टू बिकम द यंगेस्ट मैन टू लिफ्ट द चैलेंज कप सिंस 18-year-old बॉरिस बैकर वन द सेकंड ऑफ हिज 3 विंबलडन टाइटल्स इन 1986. मेन काम की बात, कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज. किसको हराया? नोवाक जोकोविच. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज है, IIT खड़गपुर एक टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बना रहा है सेफ्टी ऑफ ट्रेन्स के लिए. ठीक है, द IIT खड़गपुर इज डेवलपिंग अ टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन अरेट चलेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे फॉर द इंडियन रेलवे स्किल. द सिस्टम इज गोइंग टू बी एम्बेडेड विथ एनहांस सेफ्टी मेजर्स. ठीक है, सेफ्टी मेजर्स के लिए किया जाएगा. द न्यू सिस्टम वुड कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग डेटा लॉगर विच इज कंसिडर्ड द ब्लैक बॉक्स ऑफ रोलिंग स्टॉक. ठीक है, जो डेटा लॉगर जो अभी जो ट्रेन में रहता है उसको ये मदद करेगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा. ठीक है, द सिस्टम वुड कॉम्प्लीमेंट डेटा लॉगर विच वॉज लिमिटेड बाई इट्स सेंट्रलाइज स्टोरेज फैसिलिटी, लैक ऑफ टेम्पर एविडेंट डेटा एंड लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल. ये जो भी इसके लिमिटेशंस है, ठीक है, सेंट्रलाइज स्टोरेज फैसिलिटी, लैक ऑफ टेम्पर एविडेंट डेटा, लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये वाला एक टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम IIT खड़गपुर बना रहा है इंडियन रेलवेज के लिए. ठीक है, द न्यू ब्लॉकचेन सिस्टम वुड एड्रेस दीज लिमिटेशन बाय स्टोरिंग डेटा इन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर यूजिंग क्रिप्टोग्राफी टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी. डेटा जो है पूरा का पूरा सेव रहेगा एंड मेकिंग डेटा एक्सेसिबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स. ठीक है, और जिसको भी जरूरत है, जो जो काम के लोग हैं उनको ये डेटा जो है वो एक्सेसिबल भी रहेगा. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नीति आयोग ने रिलीज़ किया है 3rd edition एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2022 फॉर स्टेट्स एंड यूटी और स्टेट्स के लिए. ठीक है, और इसमें जो है तमिलनाडु ने टॉप किया है. ठीक है, उसका ओवरऑल स्कोर 80.89 रहा है, और उसके बाद में फिर महाराष्ट्र 78.2 एंड कर्नाटका 76.3. ये जो रिपोर्ट है रिलीज़ किया है वाइस चेयरमैन नीति आयोग ने श्री सुमन बेरी. नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 विच असेसेस द रेडीनेस ऑफ द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस. ठीक है, गुजरात चौथे नंबर पे विद अ स्कोर ऑफ 73.22, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड केरला. और जो पहाड़ी इलाके हैं अमोंग हिली या फिर हिमालयन स्टेट जो है उसमें उत्तराखंड ने टॉप किया है. ठीक है, उसके उत्तराखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इन दैट ऑर्डर. ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने यहाँ पर मेंशन किया हूँ. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया और मंगोलिया ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चालू हुआ है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2023. और कहाँ पर हुआ है? तो उलनबतार मंगोलिया में. ठीक है, एंड इंडियन आर्मी कंटिजेंट कंप्राइजिंग 43 पर्सनल लेफ्ट फ्रॉम मंगोलिया टू टेक पार्ट इन अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2023 बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया. नोमैडिक एलिफेंट 2023 इज द 15th edition, 15th edition है. ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट 2023 इज शेड्यूल फ्रॉम 17 जुलाई से 31 जुलाई, अभी चल रहा है ये. ठीक है,
इंडियन आर्मी सोल्जर्स फ्रॉम जे एंड के लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट एंड सोल्जर्स ऑफ द मंगोलियन आर्म फोर्सेस यूनिट 084 आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। हमारे इंडिया की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सोल्जर्स गए हैं और उनके तरफ से मंगोलियन आर्म फोर्सेस यूनिट 084 के सोल्जर्स ये एक्सरसाइज के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका जो थीम है एक्सरसाइज का, टू फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन माउंटेनियस टेरेन अंडर ए यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है, फर्स्ट एवर बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ, चालू हो चुका है बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, द फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्टार्टेड इन बैंकॉक। कहाँ हुआ, तो ये पहला है तो इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, बैंकॉक में। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर अटेंडेड द मीटिंग। हमारे तरफ से मिस्टर जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने मीटिंग अटेंड किया और साथ ही साथ उन्होंने को चेयर भी किया है 12th मेकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग इन बैंकॉक अलोंग विद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ लाओ पीडीआर कोमेसिक। ठीक है, मैं बहुत सारे इशूज इसके अंडर में मतलब डिस्कस होने वाले, मैनी इशूज विल बी डिस्कस ड्यूरिंग दिस मीटिंग इंक्लूडिंग द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ठीक है, रास्ता भी बनाने का चल रहा है इंडिया म्यांमार थाईलैंड, सीधा आप गाड़ी लेके निकल सकते हैं, इसके ऊपर में बात चलने वाली है। ठीक है, बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, इसके मेंबर्स कौन कौन है आपको पता रहना चाहिए बिम्स्टेक के, और बिम्स्टेक के अलावा आपका सार्क हो गया, क्वाड हो गया, सभी के मेंबर्स आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इसके मेंबर्स कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, और जो परमानेंट सेक्रेटरिएट है वो कहाँ पर है, ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, जो बिम्स्टेक है एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये 1997 में जब चालू हुआ था तो केवल और केवल चार ही मेंबर स्टेट्स थे इसके अंदर से, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो धीरे धीरे आगे चल के इसमें भूटान, नेपाल की वगैरह एंट्री हुई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, IRDAI अपॉइंट किया है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस को एज लीड नॉन लाइफ इंश्योरेंस फॉर महाराष्ट्र। ठीक है, द IRDA हैज सिलेक्टेड टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज अ नॉन लाइफ इंश्योरर फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू इनिशिएट एंड ड्राइव एक्टिविटीज इन कोलाबोरेशन विद ऑल अदर नॉन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज टू इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन द स्टेट इन लाइन विद इट्स विजन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय द ईयर 2047। ठीक है, 2047 तक के सबके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके अंडर में IRDAI ने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस को एज अ लीड नॉन लाइफ इंश्योरेंस महाराष्ट्र के लिए अपॉइंट किया है। ठीक है, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विल कोलैबोरेट विद ऑल नॉन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज वर्किंग इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र द IRDAI एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एनहांसिंग इंश्योरेंस रीच एंड एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस द स्टेट एट द ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। ठीक है, बेसिकली इसका पूरा इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, RBI ने बोला है कि भाई अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनना है 2047 तक के, तो एवरेज एनुअल जो है 7.6% GDP ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल इन द RBI's लेटेस्ट मंथली बुलेटिन, India's real GDP needs to grow at 7.6% per annum over the next 25 years for it to become a developed country by 2047-48. अभी फिलहाल में इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री जो है, US वगैरह जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, तो 2047-48 तक के हमारा इंडिया भी डेवलप्ड बन जाएगा, बट एवरेज एनुअल ग्रोथ GDP का 7.6% पर चलना चाहिए। ठीक है, India's per capita income is currently estimated at $2,500, while it must be more than $21,664 by 2047. इतना बड़ा गैप अभी अपने को क्लियर करने का है। As per World Bank standards, to be classified as a high income country, it must be noted that as per World Bank classification, country with a per capita income of $13,205 or more in 2022-23 is classified as a high income country. To achieve this target, the required real GDP compounded annual growth rate CAGR jo bolte hai for India works out to be 7.6% during 2023-24 to 2047-48. Pura ye jo bhi uske liye requirement hai, jo bhi standards hai, usme uske hisab se sab kuch ganit wagaire laga ke ye bola gaya hai ki bhai
7.6% का CAGR रहना चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 18 और 19 जुलाई के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए, ताकि आपके जो मित्रगण हैं जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उसको भी कुछ मदद मिल जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अवर चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।